हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छा अपडेट है। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है और आप लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, तो इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छा अपडेट आया है जिसमें आपको जानकर बेहद खुशी होगी। तो उसको जान लेते हैं क्या अपडेट है और क्या क्या बातें आपको सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ताकि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, एक इससे पहले जो अपडेट दिया था जिसमें कि आप लोगों को अब जो है ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे और चांसेस रहेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है और समझाया है कैसे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने वाले हैं। उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको जल्दी से देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, तो उसको जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर एक और अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, सुविधा आपके लिए है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने को मिलेंगे 9 वर्ष। अब ये 9 वर्ष क्यों दिए जा रहे हैं, क्या क्या अपडेट है, पूरी डिटेल में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 3 वर्ष मिलेंगे आपको किसी एक वर्ष को पूरा करने के लिए और 2 पूर्ण की परीक्षाएं एक साथ नहीं दी जा सकेंगी। यहां पर आपको नई शिक्षा नीति के तहत 2021-22 में ये लागू हो चुकी है और इसके तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियत दी गई है। नई 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। इस तरह किसी विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में BA/BSc और BCom ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के संबंध में जारी दिशा निर्देश में कई तरह के बदलावों को शामिल किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पूरा डिटेल में। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी 17 में 3 वर्षों की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। ठीक है, यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तथा यहां पर आगे बताया गया उसके आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 वर्ष के मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आंतरिक परीक्षा के बैक पेपर की सुविधा इस बार नहीं दी जाएगी। शासन आदेश में व्यवस्था की दी गई है कि आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या इंप्रूवमेंट की परीक्षा नहीं होने वाली है। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक पेपर के रूप में दोबारा देने की स्थिति में परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, जो इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को अभी कोविड के टाइम पर आप लोगों ने देखा था उस टाइप का वो किया जा सकता है। हालांकि एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। विद्यार्थी को सम सेमेस्टर का बैक पेपर, सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर का बैक पेपर विषम सेमेस्टर में ही देने की सुविधा मिलेगी। तो ये है पूरा अपडेट आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट और क्या राय है आपके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही है और अगर आपको कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट कर दें या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट देता रहता हूं। जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं पुराने उनको पता होगा और आप जल्दी से जुड़ जाइए, आपको भी पता लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तो जय हिंद, वंदे मातरम।